जालौन के ग्राम छेरिया सलेमपुर में हुई एक महिला की नृशंस हत्या। क्या था पूरा मामला, आखिर क्या हो सकती है हत्या की वजह? जनपद जालौन के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम छिरिया में एक महिला की नृशंस हत्या से गांव में सनसनी फैली हुई है। जानकारी के अनुसार अज्ञात कारणों के चलते जालौन के ग्राम छिरिया में किसी ने एक महिला की नृशंस हत्या कर दी। महिला के साथ लूटपाट के बाद अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या किए जाने से पूरे गाँव में सनसनी फैली हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छिरिया सलेमपुर में रहने वाली 45 वर्षीय दलित महिला रामवती दोहरे पत्नी काशी प्रसाद दोहरे के घर पर धावा बोलकर अज्ञात बदमाशों ने पायल आदि सामान लूटपाट करने के बाद महिला की धारदार हथियार से गर्दन पर वार करके हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद जालौन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस बीच पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी और अपर पुलिस अधीक्षक एसएन तिवारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संभवतः यह हत्या पैसे के लेन देन की वजह से हो सकती है। ये महिला रामवती है, इसकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच में है। ये रोड साइड पर एक जगह दुकान रखे हुए है, गांव थोड़ी दूर है, वहीं रहती है अपने 13-14 साल के बच्चे के साथ। बीती रात इसकी गला काट के हत्या कर दी गई है। ये जहाँ सोने का स्थान है उससे बगल एक छोटी सी दुकान चलाती है रोड साइड, वहीं किचन है इसका, वहाँ पर इसकी डेड बॉडी मिली है। आज सवेरे जब इसका देवर वहाँ पर आया घर पर, तो उसने पॉइंट आउट किया, वहाँ मौके पर बताया गया कि रात में ये अपनी बेटी को जो शादीशुदा है गांव आई हुई थी, उसको खाना देने गई थी। उसके बाद से कब ये लौटी, कौन आया, इसके संबंध में जानकारी अभी जमा की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी मिली है कि इसकी दुकान पर कुछ लोग आया जाया करते थे, बैठा करते थे, उन पर निगरानी करके उनके संबंध में और सूचना विकसित करके कार्रवाई की जा रही है। कोई से